मुझको सीरियसली नहीं पता कि आपका क्या रीजन है कि अभी तक आपने आईफोन 14 प्रो नहीं लिया है, बट अगर आपने अभी तक आईफोन 14 प्रो नहीं लिया है तो थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि ये बहुत मैसिव चीज है। iPhone 15 Pro के लिए मैंने जितनी भी बातें बोली थी अभी तक, वो सारी की सारी एक एक करके जो है वो कंफर्म होती जा रही हैं। और iPhone 15 Pro जो है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव होने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट, आधे से ज्यादा टाइम जो है वो निकल ही चुका है, थोड़े से महीने जो है वो आपको और वेट करने हैं। तो अगर आपने अभी तक वाकई में iPhone 14 Pro नहीं लिया है तो iPhone 15 Pro ही लेना। यहाँ पे जो है वो कुछ नए कैड टेंडर्स जो है वो रिलीज करें 95 Mac के अंदर, और वहां पर जो है आपको साफ साफ USB Type-C जो है वो देखने को मिल रही है। और ये वाली बात मैं बहुत ज़्यादा टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि USB Type-C जो है वो आने वाली iPhone 15 Pro के अंदर, iPhone 15 Pro के अंदर USB Type-C आएगा, क्योंकि यूरोपियन गवर्नमेंट ने भी जो है वो लॉस लगा दिए थे कि अगर आप USB Type-C नहीं डालोगे तो फिर आपको जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे। और टिम कुक को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो पसंद है, तो उन्होंने जो है वो Type-C डाल दिया आईफोन के अंदर। और ना ही सिर्फ CAD रेंडर्स, यहाँ पर लिटरल इमेज जो है वो लीक हो चुकी है फैक्ट्री के अंदर इस वाले आईफोन की। यहाँ पर लिटरली आप ब्रश टाइटेनियम फिनिश वाली साइड्स जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर आपको कर्व्ड कॉर्नर्स देखने को मिल रहे हैं, कर्व्ड एजेस देखने को मिल रही हैं। अक्सर जो iPhone 12, 13, 14 थे उनकी जो एजेस थी वो लोगों को हाथों वगैरह में चुभती थी, काफी ज्यादा स्लिपरी थी, तो फिर यहाँ पे एप्पल ने जो है वो उनको हल्का सा जो है वो कर्व कर दिया, तो फिर यहाँ पे आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिल रही हैं। उसके साथ ही साथ टाइप सी, और मैंने जो है पहले वाली वीडियो के अंदर बोला था जो कि मैंने iPhone 15 पे बनाई थी कि इसके अंदर जो है वो आपको कोई सा भी फिजिकल बटन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कैपेसिटिव बटन जो है वो देखने को मिलेंगे जो कि टच से जो है वो काम करेंगे और हैप्टिक फीडबैक देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है वो एक फेक बटन है, लेकिन ये जो है बिल्कुल फिजिकल बटन वाली जो है फील देगा थैंक्स टू एप्पल टैप्टिक इंजन, जैसे कि अपने पहले भी एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो देखने को मिला था। बट ये नए रेंडर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं iPhone 15 Pro जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सुंदर लग रहा है। और जिन लोगों को लग रहा था कि iPhone 14 Pro की कैमरा बम जो है वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा कर दिया एप्पल ने, मतलब कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कैमरा बम जो है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल्स, एप्पल ने जो है वो उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया था। तो यहाँ पे आपको और ज्यादा कैमरा बम जो है वो देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस मॉडल से जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ओवरऑल फोन की थिकनेस का 50% लगभग। यहाँ पे जो है वो आपको टाइटेनियम एजेस जो है वो देखने को जो कि इस वाले फोन की प्राइस को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हैं। बट क्योंकि एप्पल ने जो है वो रिसेंटली प्राइस जो है वो इंक्रीज करी थी iPhone 14 Pro की इंडिया के अंदर, तो मुझे लगता नहीं कि इस वाले फोन के ऊपर जो है वो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये जो है वो लगभग 130,000 का ही मिलेगा ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स पर, तो लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा और सस्ता आपको मिल सकता है। मैं बात करूं आगे की डिस्प्ले की, तो iPhone 14 Pro के कंपैरिजन में यहां पे आपको डिस्प्ले भी जो है वो काफी ज्यादा सही देखने को मिल रही है। यहां पे इन्होंने बेजल्स को जो है वो और ज्यादा थिन कर दिया है, तो फोन जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब मन कर रहा है कि इसको बस चला लो। रेंडर्स के अंदर जो है वो फोन वाकई में काफी सुंदर लग रहा है, और मार्केट के अंदर जो है वो सितंबर में ही आएगा, बट लगभग पूरा का पूरा फोन जो है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई से भी चेंजेस जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज यहाँ पे ये है कि iPhone 11 Pro के बाद से जो है वो एप्पल ने ज्यादा डिजाइन के अंदर जो है वो चेंज नहीं करा है, मतलब ऑब्वियसली डायनेमिक आइलैंड वगैरह को देखने को मिलता है और कैमरा जो है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है, बट यहाँ पे जो है वो आपको एक्चुअल डिजाइन चेंज जो है वो देखने को नहीं मिला है, जैसे कि अपने को iPhone X के अंदर देखने को मिला था या फिर iPhone 11 Pro के अंदर देखने को मिला था। बट यहाँ पे जो है वो टाइप सी आ चुकी है, और धीरे धीरे करके जो है वो पूरा पूरा फोन जो है वो चेंज हो ही जाएगा आगे आने वाले आइटरेशंस के अंदर। अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करें। दिस मिस्टर सनी ऑफ।